बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड के हल्द्वानी से, जहां पर अतिक्रमण मामले में जनता को बड़ी राहत दी है सुप्रीम कोर्ट ने। जी हां, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण मामले में हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है, जनता को बड़ी राहत मिली है। आपको बताते चले कि जो पूरा मामला है वो हाईकोर्ट के आदेश से हटाया जा रहा था, जो अतिक्रमण वहां पर हुआ था हल्द्वानी में, बुलडोजर अब नहीं चलेगा, जो कि चलने वाला था, जिसके लोग दुआएं मांग रहे थे, रोडों पर बैठे हुए थे, लगातार सियासत भी इस पर बहुत हो रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को नोटिस जारी किया है और राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया है और पूछा है कि रातों रात 50,000 लोग कहां जाएंगे, अगर आप इस प्रकार से अतिक्रमण हटाएंगे तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, कहां पर जाएंगे। अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट पर फिलहाल रोक लग गई है। पूरे मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। लोगों को पुनर्वास योजना तैयार हो, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, और 50,000 लोगों के लिए हालांकि राहत भरी खबर है, और इस पर सुनवाई 7 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। तब तक के लिए तो राहत मिल गई है, लेकिन यह है कि शायद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सरकार का पक्ष सुने, रेलवे का पक्ष सुने, और जो नोटिस है उसमें क्या कुछ जिक्र किया जाता है उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट इस पे अगला आदेश सुनाएगा। लेकिन फिलहाल हाई कोर्ट के पे आदेश पर रोक लग गई है, यानी कि अब जनता को फिलहाल तो राहत मिल गई है।